शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब कर आरती, तब तक आरती कर जब तक यश वापस नहीं आ जाता। पता चल जाएगा कि तुझे यश की वापसी की कितनी परवाह है। गोपाल सुन लीजिए हमारी पुकार। कृष्णा कृष्णा अंजलि को लगता है कि आदित्य ने ही यश को गायब किया है। ताई जी, ये आपने क्या किया? दिया बुझाकर अपशकुन कर दिया। अरे सबसे बड़ी अपशकुनी तो ये है, जब से इस घर में आई है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अपना पाप छुपाने के लिए मेरे आदित्य पर इल्जाम लगा रही है। हमारे पास सबूत है बड़ी दादी। जिस आदमी की हत्या का इल्जाम यश जी पर लगाकर उनको फंसाया जा रहा है वो आदित्य की जान पहचान का है। और वो आदमी मरा नहीं है, वो जिंदा है। आदित्य यश जी को फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा है। झूठी कहीं की, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, जिस आदित्य की बुराई कर रही है ना उसी से इश्क भी लड़ा रही है। ये सच नहीं है बड़ी दादी, हमारी बात का यकीन कीजिए। आदित्य हमारे यश जी को खत्म कर देना चाहता। यश जी पहले जैसे नहीं है, बात बात पर भड़कते हैं, खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर हमारा क्या होगा?
अंजलि अब मेरे करीब आना चाहते हैं। यश, तू ठीक है ना? यश, तू कहाँ था? किसने कैद करके रखा था तुझे? हम दिखाते हैं माँ, हमारे पास सारे सबूत हैं। फोटो कहाँ गई? रिचा, ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि अंजलि के हाथ कोई ना कोई सुराग जरूर लगा है। मौका मिलते उसका फोन चेक करना। फोटो नहीं मिल रही? कोई बात नहीं, हमने आज ही पीटर की कुछ फोटोज और वीडियोस अपने फोन में ली थी, हम दिखा देते हैं। जिंदा है जिसकी मौत का इल्जाम लगाकर यश जी को फंसाया जा रहा है। तुम वीडियो और फोटो नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने आज ही उसकी दुकान में जाकर खुद सबसे बड़ी अपचुकनी तो ये है, जब से इस घर में आई है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अपना पाप छुपाने के लिए मेरे आदित्य पर इल्जाम लगा रही है। बेचारी अंजलि ने अपने फोन का पासवर्ड भी तो मुझसे ही सेट करवाया था। आदित्य का शक सही था, थैंक गॉड। वक्त रहते ही मैंने सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दिए। ए लड़की, नाटक बनकर बड़ी आई सबूत दिखाने वाली। तुम सच कह रहे हैं बड़ी दादी, हमारे पास सारे सबूत थे, हम खुद लेकर आए थे। सब कुछ उस आदित्य का किया धरा है, उसने उस पीटर का इस्तेमाल करके यश जी को फंसाया है। यश, आज अगर आदित्य नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। पहले तो इसने बड़ी मेहनत करके यश को हाईवे के पास वाले पुलिस स्टेशन से ढूंढ निकाला और फिर इसकी बेल करा के इसे यहां ले आया। खाना जी तुम्हारा भला करे जो तुम मेरे यश को बचा कर ले आए। नहीं बात नहीं, आदित्य बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं।
जी को बसाया है, वो आदमी जिसकी मौत का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है वो मरा नहीं है, वो आदमी जिंदा है। क्यों झूठ बोल रही हो अंजलि? यश से पूछो कि उसके साथ क्या हुआ था। अब शुरू होगा असली तमाशा। मुझे नहीं पता मैं कहां था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा। और फिर आदित्य वहां पर पहुंच गया, तो वहां से बचाकर मुझे यहां ले आया। बेटा, यश को उसके कमरे में लेके जाओ। छोड़ के आता हूं, चल। यश जी हमारी बात सुनिए, आदित्य हमें पागल बना रहे, हमारे यकीन कीजिए, इसीलिए आपको बता रहा। ये उतार दो और आराम कर लो। यश, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर ने बहुत मारा मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। तुम बैठो, मैं दवा लगा देती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। दर्द हो रहा है? ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश मत कर। यश के आसपास पटकने की भी जरूरत नहीं है, समझे तू? अब इस घर में तेरा कोई काम नहीं है, चुपचाप निकल यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे बड़ी दादी, हमें अपने यश जी का ख्याल रखना है। मुखौटे बदल बदल कर लोगों को पागल बना रही है लड़की, बिना मतलब के मेरे आदित्य पर इल्जाम लगा रही है। अरे तेरे कुछ भी कहने से सत्य नहीं बदल जाएगा। तेरा सामान बांध दिया है, उठा इससे और चलती बात। कर लीजिए बड़ी दादी, लेकिन हम यश जी को छोड़कर नहीं जाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें अपने पति का ख्याल रखना है। तुझे यश की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ऋचा उसे संभाल लेगी। अपने यश जी को हम संभाल लेंगे, हमारे पति है। तो जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी बार कहने के बाद भी यहां से निकल लगा, नाम ही नहीं ले रही है। आपको हमसे जो कहना है आप कह लीजिए बड़ी दादी,
लेकिन हम यश जी को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बुरी तरह मारा है। सिर्फ तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जा रहा है यश, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखू। हे गोपाल, कितना दर्द हो रहा होगा आपको, लाइए हम लगा देते अभी। मुझे सोने की कोशिश भी मत करो। जाओ यहां से। मैंने कहा निकलो यहां से, निकलो बाहर। ये तो गलत बात है यश, तुम्हें दवाई लगाने का पूरा हक है अंजलि को। आखिर वो तुम्हारी पत्नी जो है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी होने वाले बच्चे की मां हूं। नहीं, मैं अंजलि की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वही ना कर खड़ा कर दिया गोपाल, अब क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई तो रास्ता दिखाओ। तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू अंजलि। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती अंजलि। यश अंजलि, तुम्हारे नए बिजनेस का पूरा सेटअप तैयार है। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। मेरी जिंदगी में आके तुमने मेरा सारा गम दूर कर दिया। टूटे कांच सा था मैं, तुमने कोहिनूर कर दिया।
ये साड़ी अभी यश जी ने कितने प्यार से दी थी। शादी के बाद बार बार हमसे कहते अंजलि तुम यही साड़ी पहनना। ये रंग तुम पर बहुत सूट करता है अंजलि। यश जी, आपकी दी हुई आपकी पसंद की साड़ी पहनी है हमने। अब आपका फेवरेट हलवा बनाने जा रहे हैं। आपकी नाराजगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते यश जी। गुस्सा है तो हमसे बात कीजिए, लेकिन सारी गलत फहमियां मिटा दीजिए प्लीज। हमें विश्वास है कि यशांजलि कभी अलग नहीं हो सकते। नहीं होंगे ना? आपकी गलत फहमी को दूर करने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। देख ले इसकी हरकत। यश जी करते करते आदित्य के पास पहुंच गई है लड़की। झूठ है ये सब। यश जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है? क्या हो गया है आपको यश जी? आज तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब आप तो मेरी नफरत देखोगी। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।